तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ पिवट टेबल। जैसे कि आपने कल की क्लास में देखा कि हम किस तरह से पिवट को समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं। पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आप इसको सीख रहे हैं तो इसको आप पूरी प्रैक्टिस के साथ स्लोली हर एक टॉपिक को सीखते हुए समझते हुए करें, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई, आपको थोड़ा भी इसमें किसी तरह की दिक्कत हुई, तो क्या होगा, आपको पिवट समझ में नहीं आएगा। और जहां तक सर्वे कहता है कि हम अपने ऑफिस का 80% रिपोर्ट पिवट से बना सकते हैं, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं आज हम। तो जैसे पिवट की तरह जो हमारी डेटा है, हम उसी डेटा को एक बार लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ बात की थी पिवट टेबल की समराइजेशन। तो पिवट टेबल की समराइजेशन में हमने आपको समरी क्रिएट करना समझाया कि पिवट टेबल का समरी कैसे क्रिएट किया जाता है। अब पिवट टेबल की समरी में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम पिवट टेबल की समरी में कैलकुलेशन वगैरह चीजें कर सकते हैं। तो हम डेटा को उठाते हैं, यहां से डेटा को कॉपी किया, एक नई शीट पे पेस्ट कर दिया, यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पे पिवट टेबल लगाते हैं। तो पिवट टेबल हमने यहां पे लगाया, हमने यहां से नेम बाइट, हमने यहां पे क्वांटिटी रख लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में कि हम किस तरह से पिवट टेबल के अंदर डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक किया और यहां सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहां पे सॉर्ट पे क्लिक कीजिए। तो सॉर्ट आपका ये आपका लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टॉप टू बटन होता है, और ये लेफ्ट टू राइट भी होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए सिटी को मैंने कॉलम में रख दिया, अब मुझे इस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो मैं यहां से सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए आसानी से कर सकता हूं। मतलब कि अगर आपने किसी वैल्यू पे रखा है तो भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, अगर आपने किसी लेजर आइटम पे रखा है तो भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, और आपने किसी फील्ड पे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉर्ट की जा सकती है, ठीक है सर। तो शॉर्ट हम टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट में अपने हिसाब से हम शॉर्ट करते हैं। तो इसी तरह पिवट के आगे आगे के टॉपिक को हम कवर करेंगे। शॉर्ट के बाद बात आती है मूविंग की। जैसे मैंने बताया आपको कि हम अपने हिसाब से राइट क्लिक करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर जब इसको सॉर्ट आप करते हो तो वो आपके अल्फाबेटिक के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट होता है, लेकिन मुझे अपने अल्फाबेटिक के हिसाब से सॉर्ट नहीं करना है, ना ही वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करना है, हमें अपने हिसाब से इसको अपना पोजीशन देना है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं विकास जो है, मैं चाहता हूं विकास सबसे टॉप पे आए, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और यहीं पे मूव मूव विकास को बिगनिंग, अप डाउन लेफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको बिगनिंग कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको अगर ले जाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इस माउस के जो कर्सर है, कर्सर की जो पॉइंटर है उस पर आप अपना रखिए और इसको आप इस तरह से उठा के ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, इस तरह से उठा के ऊपर की तरफ आप ले जा सकते हैं इजिली। सेम उसी तरह से आप कॉलम में अगर है आपका जो सिटी उठा के मैं कॉलम में रख देता हूं, तो कॉलम में भी आप इसको मूव कर सकते हैं, यहां से मूव मूव फॉर विनिंग आप वगैरह कर सकते हैं, या फिर इसे मान लीजिए कि मुझे नोएडा और दिल्ली दोनों को अलग करना है एक जगह पे, उसको उठाया और इसको हम सबसे टॉप में जहां भी ले जाना है, जहां जो दिख रहा है लाइनिंग, जहां पे लाइनिंग रुकेगा वहीं पे आपका ड्रॉप हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टिंग। तो राजेश जी एंड राकेश जी, समझ में आया आपको शॉर्टिंग? जी जी ठीक है। तो मूविंग था हमारा, वैल्यू कैसे पिवट में मूव करेंगे, क्लियर? अब मूविंग के बाद जो अगला चैप्टर है
तो हमने शॉर्ट और मूव इस पिवट टेबल में पिछले टॉपिक में किया। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप के बारे में कि हम कैसे ग्रुप करेंगे। अब ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मेरे डेटा में देखिए सिटी वाइज डेटा है, राइट? तो इसमें नोएडा, दिल्ली और जिंजीर मतलब गुड़गांव, तो मुझे क्या करना है कि इन तीनों को इकट्ठा टोटल चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है दिल्ली एनसीआर में, ये तीनों कहाँ है? दिल्ली एनसीआर में। तो मुझे यहां इन तीनों का टोटल इकट्ठा चाहिए। और डेटा के अंदर हम इस तरह के चेंजिंग नहीं करना चाहते, समझ गए? डेटा के अंदर हम चेंजिंग नहीं करना चाहते। तो कुछ नहीं कीजिए, आप कंट्रोल को होल्ड रखिए और आप पहले वाले सॉरी इस पे कर्सर रखिए, कंट्रोल होल्ड कीजिए और अपने जो भी आपका सिटी है उसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और इसी में कीजिए ग्रुप, ग्रुप को क्लिक कीजिए, ये आपका ग्रुप वन हो गया और यहाँ पे सिटी और सिटी टू आ गया। तो सिटी टू जो है उसको रहने दीजिए और सिटी को रिमूव कर दीजिए। अब इस ग्रुप वन को हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे रिनेम। हम इसको रिनेम कर सकते हैं दिल्ली एंड एनसीआर, ठीक है, दिल्ली एंड एनसीआर। ठीक है, ठीक है। एक ग्रुप होके आ गया और यहां पे टोटल लिख दीजिए। तो क्या ऐसे कॉलम को भी ग्रुप किया जा सकता है? ऑफ कोर्स। मान लीजिए इसमें मुझे विकास है, देव है और पूजा है, हम तीनों को सिलेक्ट किए, राइट क्लिक ग्रुप, ये देखिए ग्रुप वन आ गया और नेम टू यहां दिख रहा है आपको, तो नेम को हटा दीजिए, नेम टू को रहने दीजिए और जो एक ग्रुप है इसके जगह पे आप क्या कर दीजिए, मैं यहां पे कर देता हूं इन हाउस, या जो भी लिखना चाहते हो आप यहां लिख सकते हो। ओके, समझ गए? आगे ठीक। बढ़े इसमें। जी आगे बढ़े। तो ये हमारा ग्रुप हो चुका है, हमने सॉर्टिंग कर ली, हमने मूविंग कर ली, हमने ग्रुपिंग कर ली। ये हमारा टेक्स्ट ग्रुप था। हम बात करेंगे नंबर ग्रुप। तो ग्रुप में आगे हम बात करेंगे नंबर ग्रुप की। जैसे मुझे ही पता करना है, जैसे मैं क्वांटिटी को यहां रख देता हूं, तो आप देख सकते हैं इतना क्वांटिटी आ गया। मैं ये देखना चाहता हूं कि किस रेंज की क्वांटिटी की कितनी एवरेज एमआरपी है। तो एमआरपी को हमने यहां डाल दिया और हमने सम की जगह पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए और यहां पे एवरेज कर दिया, ये हमारा एवरेज हो गया। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 10 10 क्वांटिटी वाले जो है 44 रुपए के हिसाब से बिके हैं, 11 वाले तो हिसाब से बिके हैं। तो ये तो सर A1 टू पूरा सिक्वेंस पूरा आ रहा है ना सर। मुझे एक स्लैब चाहिए, एक रेंज चाहिए कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह का एक रेंज चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ग्रुप, ग्रुप में जाएंगे और ये देखिए दिख रहा है सर, जी 10 से 90, 10 से 90 और यहां पे आ गया। तो 10 जो है हमारा ऑटोमेटिक मिनिमम था और 90 हमारा मैक्सिमम था। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, या 0 से 100 कर सकते हैं, देन ओके आ गया सर, जी 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 39, दिख रहा है, क्लियर है? जी। इस तरह की चीजें यहां पे आप कर सकते हैं। ओके, तो जी ये नंबर ग्रुपिंग कहलाता है। अब आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं। अब मैं डेट को रखता हूं और इसको अनग्रुप कर देता हूं। तो ग्रुपिंग का जो तीसरा हमारा पार्ट है वो है डेट की ग्रुपिंग। हमने टेक्स्ट की ग्रुपिंग किया, हमने नंबर की ग्रुपिंग किया, अब बात आती है डेट की ग्रुपिंग।
आपके सामने डेट है, मुझे इसमें डेट वाइज सेल्स नहीं चाहिए, मुझे इसको मंथ वाइज सेल्स चाहिए। तो डेट के ऊपर राइट क्लिक करें और ग्रुप करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए या कोई डेट टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई ब्लैंक हुआ और डेट टेक्स्ट में हुआ तो प्रॉब्लम होगी। यहां पे देखिए डेज है, मंथ है, ईयर है, क्वार्टर है, तो मुझे मंथ वाइज चाहिए। तो हमने मंथ को सिलेक्ट किया, देन ओके, तो मंथ वाइज हमारा टोटल आ गया। उस तरह से ग्रुप में मुझे मंथ और ईयर दोनों चाहिए क्योंकि अलग अलग है, तो मंथ और ईयर आ गया। और मैं ईयर को उठा के कॉलम में रखना चाहूं तो मैं ईयर को उठा के वापस कॉलम में आसानी से रख सकता हूं ताकि मुझे मंथली और ईयरली रिपोर्ट दिख जाए। मुझे हर ईयर की क्वार्टरली रिपोर्ट भी चाहिए, तो मैं इसको वापस आता हूं, ग्रुप पे जाता हूं, मंथ और ईयर है, मैं क्वार्टर को भी सिलेक्ट कर लिया हूं। तो देखिए यहाँ क्वार्टर्स भी आ गया, तो ईयर भी मैंने यहां पे रख दिया, यहाँ पे ईयर वाइज क्वार्टर वाइज सेल दिख गया आपको। डेट का फॉर्मेट सेम हुआ तभी हो पाया है ना? डेट का फॉर्मेट नहीं, डेट टेक्स्ट में होनी चाहिए। डेट कोई भी फॉर्मेट हो चलेगा, बट डेट टेक्स्ट में होनी चाहिए, डेट ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ग्रुप ही नहीं होगा आपका। हाँ, मतलब नंबर में रहेगा तो नंबर के फॉर्मेट दिख जाएगा। जी जी, टेक्स्ट के फॉर्म में किसी भी फॉर्मेट में रहेगा तो कैलकुलेट कर लेगा। जी हाँ, सही बोला आपने। अब इसमें एक चीज और भी है कि मुझे यहाँ पे डेट ग्रुप तो करने हैं बट 15 डेज के, मुझे मंथ वाइज नहीं, क्वार्टर वाइज नहीं, 15 डेज का ग्रुप या 30 डेज का ग्रुप या 100 डेज का ग्रुप चाहिए नंबर्स के हिसाब से, तो आपको ग्रुप में जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डेट का ग्रुप सिंपल डेट में ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका नंबर ऑफ डेज यहाँ पे एनेबल दिख रहा है, कब दिख रहा है, जब आपने सिर्फ डेज को सिलेक्ट किया। अगर आपने मंथ को सिलेक्ट कर लिया तो देखिए अनहाइड हो जाएगा। तो डेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आवर, अगर मैंने आवर सिलेक्ट किया तो देखिए आवर्स भी नहीं आ रहा है, मैंने मिनट सिलेक्ट किया देखिए मिनट भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ आपका डेज का ग्रुप आएगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि 15 डेज का ग्रुप मुझे कर दो, तो यहाँ पे आपका 15 डेज का आ गया कि 1 से लेके 15, 16 से लेके 30, 31 से लेके 14, दिख रहा है? इस तरह का आप डेट वाइज ग्रुप कर सकते हैं। तो डेट की ग्रुपिंग समझ में आ गई आपको? तो ग्रुपिंग का चैप्टर मैंने यहाँ पे फिनिश किया, कि हमने आपको ग्रुपिंग हर एंगल से ग्रुपिंग समझा दी जो हम कर सकते थे। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेशन। तो पिवट टेबल में हम अपने डेटा के अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन हम अपने डेटा में नहीं, मैं पिवट के अंदर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने डेटा को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि डेटा हमारा किसी और चीज से लिंक है, अगर छेड़ दूंगा तो जब भी हम इसको डेटा इसमें डालेंगे हर बार मुझे इसको छेड़ना पड़ेगा। तो मैंने पिवट लगाया, और पिवट लगाने के बाद मान लीजिए कि हमने नेम वाइज यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल ले लिया। अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इन सबों का एक टारगेट है, इन सबों का एक टारगेट, और टारगेट हमने डेटा में डाल दी। हम सबसे नीचे अपने डेटा में जाते हैं और यहाँ हम कुछ नहीं करते, नेम में हम टारगेट यहाँ लिख देते हैं, और लिखने के बाद यहां हम दे देते हैं कि सबका जो टारगेट है ये हमारा 2000 का टारगेट है। 2000 नहीं करता, एक काम करता हूं 3000 करता। अब इसमें हम रिफ्रेश करते हैं तो मेरा डेटा नहीं आएगा। ना आने के पीछे रीजन ये है क्योंकि हमने जो पिवट लगाया था उसमें पिवट का रेंज 797 तक था, तो हमें यहां पर टारगेट लाने के लिए अपने डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। तो कैसे अपडेट करें, तो पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहां चेंज सोर्स डेटा दिखेगा, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए और पिवट को वापस रीसेलेक्ट कर लीजिए कि आप जहां तक आपका टारगेट है वहां तक। अब आपके यहां पे देखेंगे तो टारगेट आ जाएगा। अब मुझे इस टारगेट वाले अमाउंट से बाकी सबको डिवाइड करने ताकि परसेंटेज पता चल जाए। तो यहाँ पे एक चीज और भी है कि मैं क्वांटिटी को मैं एक बार और यहाँ रख सकता हूँ। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो चार आपके पास बॉक्सेस हैं
इसमें आप तीन में जो है किसी भी एक वैल्यू को एक ही बार रख सकते, एक फील्ड को एक ही बार रख सकते हैं, ठीक है, दो बार नहीं रख सकते आप, लेकिन वैल्यूज में एक फील्ड को कई बार रख सकते हैं। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया और मैंने यहां पे सो वैल्यू एज में नो कैलकुलेशन को हटा के यहां पे मैंने परसेंटेज ऑफ को सिलेक्ट कर लिया। परसेंटेज ऑफ किसका, तो हमने बोला कि परसेंटेज चाहिए टारगेट का, टारगेट को सिलेक्ट किया, देन ओके। आगे प्रेजेंटेज सर, क्लियर है सर? दोबारा बताइए कहां से ऑप्शन आया था। हमने यहां गए, जैसे मान लीजिए मुझे यहां पे रनिंग टोटल चाहिए या कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग या सम के ऊपर वैल्यू फील्ड सेटिंग जहां से हम चेंज करते हैं कि सम हो एवरेज हो, उसी के बगल में एक सो वैल्यू एज दिखेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन होगा। अब नो कैलकुलेशन को चेंज कर लीजिए आपने रिक्वायर कैलकुलेशन के, जहां पे मुझे अभी तो प्रश्न पता है परसेंटेज ऑफ निकालना है, तो यहां पे हमने टारगेट सिलेक्ट कर लिया, यहां परसेंटेज आपको दिख गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसमें यही नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिटी वाइज मैनेजमेंट रिपोर्ट निकालना, मैंने यहाँ सिटी को लिया और यहाँ सिटी का क्वांटिटी ले लिया। अब यहाँ पे सिटी वाइज टोटल आया है, अब मुझे इसके कंट्रीब्यूशन चाहिए कि किसका कितना परसेंट का हिस्सेदारी है टोटल सेल में किस सिटी का। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, सो वैल्यू एज पे जाएंगे, यहीं पे दिखेगा परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल। इस परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल को सिलेक्ट कीजिए और यहीं पे आपको ओके कीजिएगा, तो जो टोटल है ना उससे बाकी सबको डिवाइड करके इसने बता दिया कि कितना किसका कितना परसेंट का हिस्सेदारी है, ठीक है। इसी में और भी कैलकुलेशन है सो वैल्यू एज में, यहाँ पे जैसे कि पेरेंट टोटल हो गया, डिफरेंस हो गया, डिफरेंस का परसेंटेज हो गया, रनिंग टोटल जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव टोटल कहते हैं, ये हो गया। जैसे मान लीजिए ना मैं इस बार जैन का नहीं डेट रखता हूँ, आपने डेट को रखा, अभी डेट में यहाँ पे राइट क्लिक और मैंने यहाँ पे ग्रुप और मैंने यहाँ पे कर दी मंथ वाइज टोटल। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पे हम जाते हैं वैल्यू में और यहाँ पे सो वैल्यू एज और फिर हम इसको रनिंग टोटल लिख के ओके करते हैं, इन में आ रहा है, एक मिनट, परसेंटेज में है कैलकुलेशन यहाँ रनिंग टोटल परसेंटेज है, माफ कीजिए, रनिंग टोटल परसेंटेज है यहाँ पे रनिंग टोटल, ठीक है सर। क्यूमुलेटिव ले लिया ना, हाँ क्यूमुलेटिव, इसे 3000 था, मान लीजिए ना 3000 जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक, ओपनिंग ओपनिंग 3000 था, फिर जैन में जैन का सेल हुआ। अब यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर दिक्कत हो रही हो तो आप क्वांटिटी एक बार यहाँ और रख दीजिए, तो 3000 था, 45000 सेल हुआ, तो जनवरी में हमारा टोटल आ गया 7581, फरवरी में 11000 तक गया, इसको होते 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 40000 तक पहुंचा। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने पिवट के अंदर। तो बाकी कैलकुलेशन पे आप दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको समझा देंगे बाकी चीजें। अब इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो आता है फील्ड कैलकुलेशन, ठीक है, मैं सेट करता हूँ, पिवट दोबारा लगाता हूँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं फील्ड कैलकुलेशन में, फील्ड कैलकुलेशन की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्वांटिटी है और एमआरपी, मेरे पास यहाँ पे अमाउंट नहीं है, मतलब कि यहाँ जो 84 जो है वो 20 रुपीज पर पीस के हिसाब से। अब इसमें हमने पिवट लगाया और पिवट लगाने के बाद हमने मान लीजिए कि नेम वाइज हमने क्वांटिटी का टोटल और एमआरपी का एवरेज निकाल लिया, बट यहाँ पे अमाउंट नहीं है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अमाउंट निकले,
तो अमाउंट के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक पहला रास्ता है कि हम यहाँ डेटा में जाएं, नया कॉलम ऐड करें और इसको हम मल्टीप्लाई करके फिर पिवट में इसको कंसीडर कर लें, जो कि गलत है, हम नहीं करना चाहते। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते कि ये मेरा डेटा है लिंक टू अनदर डेटाबेस, और अनदर डेटाबेस में इसकी मल्टीप्लीकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बार बार मुझे अपने डेटा को चेंज करना पड़ेगा, डेटा को बार बार उसको डेटा को ठीक ठाक करना पड़ेगा, जो कि हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऑटोमेशन में। सो हम चाहते हैं कि ये कैलकुलेशन पिवट के अंदर ही हो जाए। ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा पिवट टेबल एनालिसिस में, सॉरी एनालाइज टैब में, और यहां आपको दिखेगा फिल आइटम सेट, फिल आइटम सेट इस पे जाएं और यहां आप करें कैलकुलेटेड फील्ड, और कैलकुलेटेड फील्ड में मैंने यहां पे डाल दिया टोटल, और इस टोटल को हम यहां सेलेक्ट करते हैं कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। हमने क्या किया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, देन ऐड किया एंड देन ओके कर, तो मल्टीप्लाई होके आ गया। मुझे मान लीजिए इस पे जीएसटी निकालना है, तो कैलकुलेटेड फील्ड पे जाऊंगा, यहां जीएसटी, और हमने क्या किया, जो नीचे टोटल ऐड किया था इस टोटल को लिया मल्टीप्लाई बाय 18%। अब यहां पे 18% का सैंबल नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, दे सकते ठीक है, इसी में टोटल भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और भी होता है, मान लीजिए मुझे इसमें इफ का फॉर्मूला, मतलब कि एक्सेल के इनबिल्ट फॉर्मूले लगा सकते हैं। जी हाँ, जैसे मान लीजिए मुझे इंसेंटिव देना है, और इंसेंटिव का रूल एक आता है कि जो 2500 से ऊपर का सेल किया है उसको उसको हम जो है 10,000 इंसेंटिव देंगे, अदरवाइज 5,000 इंसेंटिव देंगे, राइट। तो कैलकुलेटेड फील्ड में हम गए, यहाँ पे INC नाम का फील्ड बनाया। अब यहाँ पे फील्ड के नाम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, और इसके बाद आप क्या करें, यहां पे कंडीशन दे कि इफ, इफ के अंदर हमने यहां पे लिया अपना क्वांटिटी, यहां पे क्वांटिटी कि अगर ग्रेटर देन 2500 हुआ तो 10,000, अदरवाइज 10,000, अदरवाइज 5,000, क्लोज किया एंड ऐड किया, देन ओके। अगे इस तरह की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, राइट सर। डाउट इसमें ठीक है। अब पिवट टेबल हमने लगाया है, तो हमारे इस पिवट टेबल में हमने हमारे पास कुछ कैलकुलेटेड फील्ड है जो आप देख पा रहे हैं। तो मुझे मान लीजिए किसी फील्ड का चेंज करना है, जैसे जीएसटी 18% था, अब जीएसटी 18% नहीं, जीएसटी हमारा 12% था, तो कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए भी आपको जाना होगा वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड में, और यहां आपको ड्रॉपडाउन दिख रहा होगा, इस ड्रॉपडाउन को ड्रॉपडाउन कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेटेड फील्ड होगा लिस्ट में आ जाएगा, ओवरऑल फील्ड यहां आएगा लेकिन कैलकुलेटेड फील्ड का लिस्ट आपको यहां आएगा। इसमें से जीएसटी को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करते ही यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब मुझे 18% के जगह पे मुझे 12% करना है, तो हमने अपना चेंज किया एंड मॉडिफाई कर दिया, देन ओके, ये हमारा चेंज हो गया। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने के बाद बात आती है कि हमारे पास जो डेटा है, मतलब कि हमारे पास जो पिवट लगा हुआ है और जो हमारा डेटा है, तो मान लीजिए कि कोई नया बंदा इस पिवट को देखेगा तो देखेगा कि हमारे डेटा में कहीं क्वांटिटी टोटल, कहीं जीएसटी आईएनसी का फील्ड ही नहीं है, तो फिर पिवट टेबल में किस तरह का फील्ड है। तो अगर आपको जानना है कि ये जो टोटल है जीएसटी आईएनसी जो कैलकुलेटेड फील्ड है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, किस तरह की कैलकुलेशन की गई है, तो उस केस में हमें पिवट टेबल एनालाइज में जाना होगा, फील्ड आइटम सेट में जाना होगा, यही पर आपको दिखेगा लिस्ट फॉर्मूला। इस लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करें तो एक नई सीट के ऊपर आपको सारे कैलकुलेशन पता चल जाएंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन की गई है। समझ में आ गया आपको सर?
तो जैसा कि मैंने बताया कि पिवट इंपॉर्टेंट है, इसको धीरे धीरे सीखिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, मुझे मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और कल की क्लास में हम बात करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में, ठीक है? एक्सटर्नल जी हाँ, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक है सर, थैंक यू। और लगातार तेरे के दाग धब्बे।